यूपी के कानपुर देहात से आ रही अचंभित कर देने वाली सबसे बड़ी खबर। जनपद में एक बार फिर शुरू हुआ चोटी कटने का खेल। कचासात में पढ़ने वाली छात्रा चोटी कटने का शिकार हुए गांव की महिला और छात्राओं में फैली घटना से दहशत। परिजनों ने आनन फानन में छात्रा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। बीते एक वर्ष पहले क्षेत्र में दर्जनों छात्राओं की चोटी कटी थी। घर के कमरे में किताब उठाने गई थी छात्रा की चोटी करते हुए बेहोश हो गई। उसने बताया कि उसके बाद उसको कुछ नहीं पता कि कैसे चोटी कटी और किसने काटी है। छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेजा गया। राजपुर थाना क्षेत्र के बैना गांव का पूरा मामला है। क्या नाम बेटा? नाम क्या बेटा? संध्या। क्या बात हो गई आपके साथ? किसने चोटी काटी आपकी? बताएं कैसे पारी काटी दादा? क्या कर रही थी आप? अंदर कमरा में थे, वो किताब ढूंढ रहे थे। फिर बस फिर दिखाओ बंदे को, फिर नहीं पता क्या हुआ। चक्कर कराए थे क्या आपको? ना, दिखाओ बंदे को तो दिखाना बंद हो गया। क्या लगा, कोई कीड़े वीड़े ने काटा है या कोई था वहाँ पे? पता ही नहीं है। माता जी क्या नाम है? सुनीता। आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई? क्या हम घर पे नहीं थे, मंदिर अंदर कमरा में थी, या पता ना कमाली वाकान ले हमें दिखाए बंद होगा तो वही बाल कट गए। कुछ महसूस हुआ क्या था वहाँ पे ऐसा कुछ? वही कुछ उन्हें महसूस नहीं हुआ, उनको याद लगा कि मान ली हमें आँख से दिखाए वो बंद होगा बाल कट गए। आपने वहाँ जहाँ चोटी पड़ी थी आसपास कुछ देखा ऐसा कोई? कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा ना।